आप देख रहे हैं ये रामबन के कैफेटेरिया मोड़ की हैं, जहां पर आपको बता दें कि रात से ही जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा जो जानकारी दी गई थी, ये कहा गया था कि 3 दिन तक यानी 29 पहली मार्च, 2 और 3 मार्च तक जो है वो तेज़ जो है बारिश और अलग अलग जगहों पर जो है वो बर्फ़ पड़ने की संभावनाएँ बताई जाती है और मौसम अपना असर दिखा भी रहा है। आप देख सकते हैं कि भारी तूफान जो है वो मैदानी इलाकों में भी है और बर्फ़ जो है वो भी जो है अपनी रीचेस पर पड़ रही है। उसी के बीच में ये रामबन से तस्वीरें आ रही है कैफेटेरिया मार के पास, जहाँ पे इस समय मडस्लाइड्स बन गया है, शूटिंग स्टोन भी जो है लगातार हो रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक को भी नेशनल हाईवे 44 को जो है ब्लॉक किया गया है। आपको ये भी बता दूं कि ये वहीं की तस्वीरें हैं। उसके साथ ही साथ आपको मौसम विभाग की अगर माने तो अभी भी अगले 24 घंटे तक जो है वो बर्फबारी और साथ ही साथ बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही हैं। आप ये देखिए किस तरीके से विजुअल्स जो है आप देख पा रहे हैं, कितना ज़्यादा हालात जो है ख़राब हो गया, पूरी तरफ जो है कीचड़ से जो है वो उस रोड को भरा हुआ है और अभी नेशनल हाईवे 44 की जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक की गई है। उसके साथ ही साथ आपको आगे की जानकारी में मैं आपको बता दूँ कि इस समय ये नेशनल हाईवे 44 जो क्लोज किया गया है, इसके चलते जो है वो चनैनी का जो टोल प्लाजा है वहाँ से सिर्फ डोडा तक के लिए जो व्हीकल्स हैं उनको रिलीज़ किया जा रहा है, वो भी उनके जो है डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं, उसके साथ ही उनका आइडेंटिटी कार्ड जो है वो भी देखा जा रहा है। उसी के साथ आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जो है उसको भी रोका जा रहा है, क्योंकि पहले से ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम जो है वो लगा हुआ है। ऐसे में अगर वो ट्रैफिक को रिलीज करते हैं तो जाहिर तौर पर बात है कि वो भारी भरकम जाम जो है वो रोड पर लगेगा। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि जो रागी है नाला रोड डोडा के पास जो है वहाँ पर भी पिछले 1-2 घंटे से जो है काफ़ी ज़्यादा जाम की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सिर्फ अगर रोड पे ही ब्लॉक होना है तभी आप नेशनल हाईवे की तरफ जो है रुख करेंगे तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी आप नेशनल हाईवे की तरफ सफ़र करें, वरना आप अपनी यात्रा जो है वो जो है उसको आगे भी जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो नेशनल हाईवे की तरफ आप रुख करें। फिलहाल ये वीडियोज़ जो है वो आप फिर से एक बार देख लीजिए।